हुजूम भाइयों पूरा जुड़ रहा खेत में, ये देख लो। तो दोस्तों सबसे पहले मुकाबले में आ चुके हैं अर्जुन महिंद्रा का नोवा 605 DI, उधर आ चुका है 53 का फोर व्हील ड्राइव। चलो ट्रैक्टर दोनों बहस में चल रहे हैं, 11-12 का कल्टीवेटर है दोनों के पीछे। ना चलने का पहले गाय में ना चलने का चल रही है, दबाए गए भाई। अब फार्म ट्रैक चलेगा, फार्म ट्रैक का 60 है फोर व्हील ड्राइव और इधर है महिंद्रा का 605। अब दोनों ये दोनों चलेंगे। अब भाई लग चुके जॉन डियर के ऊपर भी और इधर फार्म ट्रैक का 60 खड़ा है। दोस्तों अब चलेंगे VST 6394 और उधर खड़ा है फार्म ट्रैक का 60। दोनों ही 11-12 के टीलर के ऊपर चलेंगे क्योंकि ये ही दोनों टू व्हील हैं, वो तो तीनों फोर व्हील हैं, तो उनके साथ तो कंपटीशन हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों के साथ ही ये ही दोनों आपस में अब कंपटीट करेंगे एक दूसरे को। आप लोग बताना आपको परफॉर्मेंस दोनों में से किसका बेहतरीन लगा और किसकी चाल ज़्यादा लगी और किसके टीलर की गहराई ज़्यादा लगी, सारी कुछ चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। जल्दी है भाइयों, दोनों भाइयों इसके अंदर किर्लोस्कर का इंजन है और उसके अंदर तो फार्म ट्रैक का खुद का है ही। ये देखो भाइयों फार्म ट्रैक और VST, ये आप लोग देखो। आप लोग भाइयों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको टीलर की गहराई कौन से की ज्यादा लग रही है। ये देखो आप लोग, ये आप लोग चेक करो। दोनों ही सेम HP कैटेगरी के ट्रैक्टर हैं, दोनों ही टू व्हील ड्राइव हैं, ये आप लोग चेक करो। ये आप लोग देखो, दोनों भाई थम नहीं रहे अब। जोर फार्म ट्रैक भी भाइयों पूरे लगा रहा है, जोर VST भी पूरे लगा रहा है अपने। मैं नहीं कहूंगा भाइयों इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है या उसका बढ़िया है, आप लोग बताना कमेंट में कमेंट करके आपको कौन से का बढ़िया लग रहा है। थाम दो, एक पिलर छुड़वा। हाँ अब भाइयों आप लोग बताना कमेंट में कमेंट करके आपको कौन से ट्रैक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया लगा, गहराई कौन सा ज्यादा ले रहा था, फार्म ट्रैक ज्यादा ले रहा था या VST ज्यादा ले रहा था। दोनों के ही पीछे 11-12 के कल्टीवेटर हैं भाइयों। अब भाइयों मुकाबले में है फार्म ट्रैक 60 और उधर सोनालिका DI 750। 11-12 के कल्टीवेटर हैं दोनों के पीछे और ये आप क्या करो परफॉर्मेंस। गहराई आप लोग नीचे बताना कमेंट करके कौन से की ज्यादा है।
और कौन से का परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है? ये आप लोग चेक करो, दोनों ही ट्रैक्टर 55 HP की कैटेगरी के हैं भाइयों। सोनाली का 4 सिलेंडर है और ये फार्म ट्रैक जो है ये 3 सिलेंडर है। और ये आप चेक करो, अब भाइयों जॉन डियर 53-10 के साथ मुकाबले में है सोनालिका का 750 टू व्हील ड्राइव। दोनों रिवर छोड़ के चल रहे हैं दोनों ट्रैक्टर। ये आप चेक कर लो, ना चलने का, ना चलने का, पहले गाय में ना चलने का। भाइयों बहस जवाब बहस चल रही है, दबाए गए हैं। ये आप लोग देखो, ये इसमें ना भिड़ा दी लायक है। ये सोनालिका भाई बराबर में, सोनालिका वाले भाई ने पूरे RPM खींच रखे हैं ट्रैक्टर की। और ये गौरव भाई वाला 53-10 है फोर व्हील ड्राइव। ये साबित क्या करवाना चाह रहे हैं उससे?
चक्कर कमर उठ रहे लीवर पूरे नीचे रहे अभी पूरा गया नीचे लीवर सुंदर भाई लीवर गेरो यार नीचे गेरो लीवर इसके लीवर उठ रहा है उसके दोनों डरे फिट के रोटावेटर है दोनों के पीछे दोनों ही के ट्रैक्टर 55 एचपी की कैटेगरी के हैं ये फार्म ट्रैक 60 है और ये महिंद्रा का अर्जुन नोवो 605 DII फोर व्हील ड्राइव है दोनों ही फोर व्हील ड्राइव भाई फुल जोश में है सोनाली का वाला भाई उन दोनों का रोटावेटर पर परफॉर्मेंस चल रहा था और भाई बीच में लेकर आया ट्रैक्टर ये परफॉर्मेंस आप चेक करो ट्रैक्टर का पूरे रुक के तार रहा भाई सोनाली का भी 3600 horsepower का मात्र ट्रैक्टर है और 8 फीट का रोटर बैटरी पीछे लगा दिया इसके मात्र भाइयों मात्र 36 HP का ट्रैक्टर है तो अपने आप